नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कंचन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको फिर से मणिपुर ले चल रही हूँ। मैं फिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुकी हूँ मणिपुर पर, एक मोइरांग पे और दूसरा एमा कैथल मार्केट पे। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं। मोइरांग वो जगह है जहाँ पे आज़ाद भारत की पहली तदर सरकार की घोषणा हुई थी और पहला तिरंगा झंडा आज़ाद भारत का वहाँ पर फहराया गया था। और इमा कैथल मार्केट ये केवल बाजार भर नहीं है बल्कि मणिपुर की जो महिलाएं हैं उनकी अस्मिता और जो जीविषय का प्रतीक है। हिस्टोरिकली उन्होंने जो संघर्ष किया और एक संगठित अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसका पूरा अपना एक क्रेडिट सिस्टम है। और अपनी तरह का ये एशिया का सबसे बड़ा बाजार है जहाँ की सारी गतिविधियाँ महिलाएँ ही संचालित करती हैं। तो है ना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस और ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत जगह मैं आपको इस वीडियो में ले चलूँगी, जो पूरे विश्व में अपनी तरह का अकेला एक स्थल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ केबल लामजाओ नेशनल पार्क की। हो सकता है आप लोग में से काफ़ी लोग वहाँ गए भी होंगे ऑलरेडी। पूरे विश्व में और कहीं भी फ्लोटिंग नेशनल पार्क नहीं पाया जाता है, वो हमारे इंडिया में पाया जाता है और मणिपुर में पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं। दुनिया की नज़रों से दूर सुदूर पूर्वोत्तर भारत में एक दुनिया बसती है जहाँ छोटे छोटे जल मार्ग हैं, तैरते हुए घास के मैदान हैं और जो वहाँ के लोगों और अन्य प्राणियों के जीवन का आधार है। ये कहानी है विश्व के एकमात्र तैरते हुए नेशनल पार्क केबुल लामजाओ की। भारत के मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित ये पार्क करीब 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील लोकटक लेक का एक अभिन्न हिस्सा है। लोकटक लेक अपने तैरते हुए छोटे छोटे आइलैंड्स के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये फुमदी बेसिकली फ्लोटिंग बायोमासेस हैं जो सॉयल और ऑर्गेनिक मैटर के वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन के कारण अपना रूप ग्रहण करते हैं। और ऐसे ही एक बड़े आकार की फुमदी पर स्थित है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये पार्क हिरण की एक संकटग्रस्त प्रजाति संगाई का एकमात्र निवास स्थल है जिसने विलुप्त होने की कगार से उल्लेखनीय वापसी की है।